संसद में पास कराना है इस बिल को, और किस तरीके से जो 10% आरक्षण की बात की गई है अगड़ी जातियों के लिए, वो कितना स्वागत योग्य है लोजपा के लिए। लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री पद्मपति कुमार पारस है हमारे साथ, हम इनसे जान लेते हैं कैसे देखते हैं सर आप लोगों ने इसकी मांग। देखिए, जब हमारा लोक जनशक्ति पार्टी का 2000 ईस्वी में गठन हुआ था, उस समय हमारे दल का जो घोषणा पत्र बना था उसमें स्पष्ट रूप से मांग किया गया कि जिसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अति पिछड़ी जाति को आरक्षण दिया गया है, उसी तरह से ऊंची जाति में जो गरीब लोग हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से जो कमजोर लोग हैं, उनको निश्चित रूप से 15% आरक्षण मिलना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी ने शुरू से ही उनका ये डिमांड है, और अभी भी आप देखे होगा 14 अप्रैल को जो पटना में कृष्ण हॉल में जो हम लोगों की रैली हुई थी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के अथी पर, तो उसमें भी पासवान जी ने मन से घोषणा किया था कि हमारी लड़ाई है कि ऊंची जाति के लोगों को भी 15% आरक्षण मिलनी चाहिए। और उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी, नीतीश कुमार जी भी थे, रविशंकर प्रसाद जी भी थे भारत सरकार के मंत्री, उप श्री उपेंद्र कुशवाहा जी भी थे भारत सरकार के मंत्री, सभी लोग थे, उसमें एक स्वर से मांग किया गया। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि लोजपा का डिमांड जो आज से 20 वर्ष पहले मांगा गया था, आज वो पूरा हुआ। 15% नहीं सही, 10% ही हुआ। ये स्वागत योग्य है और मैं अपनी दल की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कि आप तो बहुत पुराने राजनीतिज्ञ रहे हैं, एक बात बताइए कि राजनीति में कहते हैं कभी भी कुछ भी स्टेबल नहीं होता है, कुछ भी निर्भित नहीं होता है कि जो यही होना है, क्या जीतन राम मांझी अगर वहां से छटकते हैं, जो हालत है जो आप भी बता रहे हैं कि जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं होता है, तो क्या दोबारा फिर आपके दरवाजे? जी नहीं, नो वैकेंसी, एनडीए में कोई वैकेंसी नहीं है, एक बार चले गए। किसी के लिए भी? जी नहीं, किसी के लिए भी नहीं। शुक्रिया। साफ तौर पे पशुपति कुमार पारस प्रदेश अध्यक्ष हैं लोजपा के, और उन्होंने तमाम मुद्दों पर बड़े ही बेबाकी से अपनी बात रखी है। कैमरा बलवंत के साथ आशिफ इकबाल, जी मीडिया, दिल्ली।